नमस्कार, स्वागत है आपका सुरमे टाइम्स में। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस की पत्रिका के संपादकीय में दावा, सुप्रीम कोर्ट को औजार की तरह इस्तेमाल कर रही भारत विरोधी ताकतें, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी, प्रशासन पुलिस तय नहीं कर सकते कि मंदिर के आयोजनों में कौन सा रंग इस्तेमाल होगा। दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी को कूनो पार्क पहुंचेंगे 12 चीते, बड़े बाड़े और भैंसों के मांस का इंतजाम। बाइडेन ने अपनी राष्ट्रीय आर्थिक टीम का किया पुनर्गठन, भारतीय मूल के भरत राम मूर्ति भी शामिल। पीएम मोदी ने किया आदि महोत्सव का उद्घाटन, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडे को दी श्रद्धांजलि। चीन सीमा पर 2966 गांवों का होगा विकास, बनाई जाएंगी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन। त्रिपुरा में 11 बजे तक 32.06% वोटिंग, साउथ त्रिपुरा में पोलिंग बूथ के बाहर झड़प, सीपीआई समर्थक घायल, 60 सीटों पर 259 प्रत्याशी मैदान में। अडानी ग्रुप के 10 में से 9 स्टॉक्स में तेजी, इंडिगो को फाउंडर गंगवाल की पत्नी ने 4% हिस्सेदारी बेची, शेयर 4% लुढ़का, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा। कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेंगी ब्रिटेन की नई रानी, भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर, क्वीन के लिए 100 साल पुराना दूसरा क्राउन हो रहा रिपेयर। जर्मनी में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल, लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी, पिछले महीने यूएस में हुई थी दिक्कत। देश प्रदेश की खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए सुरमई टाइम्स के साथ, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।